नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है महाशिवरात्रि व्रत का अध्यापन कब और कैसे करें। देखिए, महाशिवरात्रि व्रत का अध्यापन जब आपके 14 व्रत पूरे हो जाएं तो 15वें व्रत पर आप अध्यापन कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी कारणवश महाशिवरात्रि व्रत नहीं रख सकते तो आप व्रत का अध्यापन कर सकते हैं। शिवरात्रि के एक दिन पहले आपने इन तीन नियमों का पालन अवश्य करना होगा। नियम है, आपने लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना है और नशीली चीज़ों का सेवन भी आपने नहीं करना है। और आपने इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है और ब्रह्मचर्या का पालन करना है। इन नियमों का आपने एक दिन पहले, शिवरात्रि के एक दिन पहले आपने पालन करना होगा। शिवरात्रि के दिन आपने पूरा दिन व्रत उपवास रखना होगा। आप सुबह पूजा कर सकते हैं, जिस तरह आप करते हैं सोमवार के व्रत में, प्रदोष व्रत में आप पूजा करते हैं, उसी तरह आप सुबह के समय पूजा करें। और शाम के समय आप ने अध्यापन करना होगा। शाम के समय आप पूर्ण विधि विधान से किसी कुशल पंडित जी से आप शिव पूजन करवा सकते हैं। ये पूजन आपने शाम के समय करवाना है। उसके बाद आपने 1008 आपने बेलपत्र अर्पित करने हैं। उसके बाद आपने फल फूल भोग प्रसाद अर्पित करना है। उसके बाद आपने और अध्यापन के दिन आप माँ पार्वती को और भगवान शिव जी भोलेनाथ जी को वस्त्र अर्पित करें, मैया को आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। जब आप अगले दिन व्रत का पारण करेंगे तो आपने पहले आप भगवान शिव जी भोलेनाथ जी की विधिवत पूजा करें। उसके बाद आप एक या दो ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अगर आप घर बुलाकर भोजन नहीं करवा सकते तो आप मंदिर में सूखा सीधा निकाल कर भी देकर आ सकते हैं दक्षिणा समेत। इस तरह आप अपने व्रत का अध्यापन करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।